हेलो गाइस, वेलकम टू द एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी। आप सब बढ़िया होंगे, यही है हमारी उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, ये हमारा सातवां वीडियो है, सेवेंथ नंबर वीडियो है। छह वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और ये हमारा नेशनल इनकम चैप्टर का पार्ट फाइव है और चार पार्ट यही नेशनल इनकम चैप्टर का अपलोडेड है। उम्मीद करता हूँ आप वो चार वीडियोस, चार पार्ट ये नेशनल इनकम का देख चुके हैं और ये पांचवें पार्ट में आप आए हैं। तो हमने जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा हमारा वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ऑलरेडी अपलोडेड है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। और ये जो हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की तीन मेथड है, आपको पता होगा हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्री फेजेस से आया हुआ है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू एडेड क्या होता है बच्चों? हमारे भारत में जैसे आपको पता होगा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन की जाती है और ये हर सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, कुछ कुछ वैल्यू ऐड होता है। ये सारे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इसी जो सारे वैल्यू जो ऐड होती है उसी के अमाउंट को हम ये जब जोड़ देते हैं तब हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। कुछ नहीं समझ में आया ना बच्चों? जाहिर सी बात है नहीं आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो इन डिटेल। बच्चों, आपको स्क्रीन में विजिबल है व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट इन एन इकोनॉमी। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक बिफोर डिस्कसिंग द मेथड। बच्चों, हमको ये समझना है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। क्या समझना है बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड समझने के लिए हमको समझना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीन सेक्टर होते हैं और तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से कुछ गुड्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर कुछ गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए टर्शियरी सेक्टर का यूज करते हैं। और ये बीच में जितने वैल्यू एडेड होती है वो सारे वैल्यू को जब हम प्लस कर देते हैं हमको मिल जाता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का तो आपको बात पता ही होगा, इससे पहले जब हम फैक्ट्री के अंदर की बात करते हैं उसमें एनआईटी टैक्स नहीं जुड़ा हुआ रहता है, उस समय वो होता है फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चों, हमको ये समझना पड़ेगा जब हम वैल्यू एडेड में जा रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा हर सेक्टर का वैल्यू आउटपुट क्या होता है। वैल्यू आउटपुट क्या होता है? जब तक हमको किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का वैल्यू आउटपुट नहीं पता है तो हम वैल्यू एडेड नहीं निकाल सकते। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अभी कि वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है, वैल्यू आउटपुट क्या होता है। तो वैल्यू आउटपुट को हमको डिस्कस करने के लिए जाना पड़ेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। इट रेफर टू द टोटल वैल्यू आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। इट हैज टू कंपोनेंट्स। कोई भी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो टोटल वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे कि हम ये पेन की बात कर रहे हैं, ये पेन जब कंपनी से निकल के आता है, कितने पेन निकल के आता है बच्चों? मान लीजिए कि 10 पेन कंपनी ने बनाया और ये 10 पेन की जो मॉनेटरी वैल्यू है या वैल्यू है, इसको हमने बोला आउटपुट। उस कंपनी का क्या है वो आउटपुट, और इसका जो वैल्यू है उसी को हमने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेम चीज आता है, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस कंपनी का जितना सेल होगा और उस कंपनी का जितना चेंज इन स्टॉक होगा, मतलब उस कंपनी का सेल्स प्लस स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो वैल्यू एडेड मेथड्स का न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सेल्स क्या होता है जानते हैं। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड बाय द
sold by the farm to household, government, rest of the world और टू अदर फॉर्म्स, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उस कंपनी का जो सेल करता है, किसको करता है, कंज्यूमर्स को करता है, गवर्नमेंट को करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट मीन्स एक्सपोर्ट करता है, या दूसरे फैक्ट्रीज को सेल करता है, दूसरे कंपनीज को सेल करता है, वो सारे हो जाएंगे क्या इसकी सेल्स। इफ द आउटपुट इज सोल्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी तब हम उसको क्या कहेंगे, डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल, सॉरी उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। कंट्री के अंदर है तो डोमेस्टिक सेल है, कंट्री के बाहर चला गया तो दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमको ये छोटी सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक सेल, यही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा। तो चलिए हम उसको आगे समझेंगे। तो सेल्स क्या हो गया, प्राइस पर यूनिट जितना भी है, जितना भी यूनिट इन्हें बना रहे हैं उस यूनिट का प्राइस क्या है, उसको हमने नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमको टोटल सेल मिल गया। दिस इज व्हाट वी कैन कंसिडर, वी कैन से सेल्स। बोलिए बच्चों आपको समझ में आ गया और साथ ही साथ नोट्स मिल जाए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, आप स्क्रीन को पॉज कर कर इन नोट्स को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, चेंज इन स्टॉक क्या होता है। यही तो था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को जब हम मिलाते थे तो हमको मिलता था क्या बच्चों, क्या मिलता था हमको, मिलता था वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या मिलता था बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहां पे हम समझते हैं ये चेंज इन स्टॉक क्या है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है बच्चों, ये तो इतने सारे कहानी लिखे हैं, आप थोड़ा सा आसान भाषा में समझ जाओ क्या होगा। लेट्स से अगस्त फर्स्ट में एक दुकान खुलती है और उस दुकान के पास 100 फोन, मतलब वो एक फोन बेचने वाली दुकान है जिसको टेलीफोन मोबाइल फोन वगैरह वो बेचते हैं, तो अगस्त 1 से लेकर अगस्त 31 तक का उस दुकान का हम निकालते हैं कितना सेल है, मतलब स्टॉक क्या है हम उसको निकालते हैं। तो लेट्स से अगस्त 1 जिस दिन दुकान खुलता है, जिस दिन से हम काउंट करने जा रहे हैं, उस दिन उसके पास 100 सेल फोन्स रखी हुई है, तो ये इसका हो जाएगा बच्चों ओपनिंग सेल, मतलब पिछले जुलाई मंथ में वो मोबाइल ले आया था बट बेच नहीं पाया था, वो जो स्टॉक था उसके पास रखा हुआ है। हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं अगस्त 1 से 31 तक, तो अगस्त 1 को जब दुकान खुली, इसको बेचना चालू किया, उस समय इसके पास पुराना स्टॉक जो थी वो 100 पीस फोन रखा हुआ है। तो अब इसने क्या किया, अगस्त 31 के अंदर, मतलब 31 आते आते इसने क्या कर दिया, मान लीजिए बहुत सारे मोबाइल फोन बेच चुका है और इसके पास 90 फोन इसने बेच दिया, तो इसके पास जो बच्चों स्टॉक बचा है उसी को हम बोलेंगे चेंज इन स्टॉक, मतलब अगस्त 31 को जब हमने क्लोज किया उसको हमने बोला क्लोजिंग स्टॉक, और अगस्त 1 को जब हमने ओपन किया उसको हमने बोला ओपनिंग स्टॉक। जब हमको चेंज इन स्टॉक उस महीने में या उस फाइनेंशियल ईयर में कितना स्टॉक चेंज इन स्टॉक क्या रहा, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा आई होप, और आपके पास ये नोट्स भी है, नोट्स एक बार आप पढ़ के अच्छे से और से समझ जाइएगा। बच्चों नीचे और एक दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये सारे कॉम्पोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो वैल्यू एडेड मैथड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, हमको समझना है हर वो कॉन्सेप्ट को। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ नहीं रॉ मटेरियल्स है, मतलब जब हमको वैल्यू एडेड निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड तो हमको क्या करना पड़ता है, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ये करना पड़ता है। अब वैल्यू आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू आउटपुट मैंने ऑलरेडी जस्ट इसके पिछले स्लाइड में बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जब सेल्स और चेंज इन स्टॉक हम दोनों मिलाते हैं हमको मिलता है वैल्यू आउटपुट। अब वैल्यू आउटपुट मिल गया तो हम उससे क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन होता क्या है,
इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है रॉ मटेरियल। जैसे इस पेन को बनाने के लिए कंपनी को चाहिए प्लास्टिक्स, इंक, निब, बहुत सारी चीज़ों की, लोग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स। इसको हम इकोनॉमिकल टर्म में बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शंस। तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शंस जितना लगा होगा हमको उसको क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है। जैसे इसका कॉस्ट है 20 रुपये, तो इसमें लागत कितनी है, हम उसको माइनस कर देंगे, तो इस कंपनी की, पेन बनाने वाले कंपनी ओनर ने कितना वैल्यू ऐड किया है हमको पता चल जाएगा। दैट इज व्हाट आपके यहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी और एक होता है इम्पोर्ट्स। ये इम्पोर्ट भी आपको घुमा देने वाली छोटी सी वर्ड है जो आपके दिमाग को घुमा देगा और आपके क्वेश्चंस को एकदम गलत कर देगा। तो इसको हमको समझना है। जैसे मैंने ऊपर बताया था डोमेस्टिक सेल क्वेश्चन को ट्रिकी कर देगा, यहाँ इम्पोर्टेंस इम्पोर्ट्स आपको क्वेश्चन को ट्रिकी कर देगा। तो हमको ये समझना है ये क्या है, ये पॉइंट्स को आपको नोट करना है। तो चलिए एक बार हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं क्या है आपकी स्क्रीन में अभी ये दो आया। अब बच्चों पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, डू नॉट, अभी कभी भी हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन में बच्चों हमको ध्यान देना है। यदि हमको एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स, अब सेल्स का मतलब क्या हो जाता है, यदि सेल्स आपको दिया हुआ है तो इट रेफर्स टू द एंटायर सेल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड दैट वो कंपनी का सारी सेल्स उसमें इंपोर्ट दिया हुआ है, मतलब एडेड है। सेल्स कितना कर सकता है एक कंपनी, या तो वो देश के अंदर बेच सकता है या तो एक्सपोर्ट कर सकता है, ये दो ही तो प्रकार की सेल वो कर सकता है। यदि सिंगल वर्ड सेल्स दिया हुआ है तो आप समझ जाना दिस इज एक्सपोर्ट और कंट्री के अंदर दोनों सेल्स को ये इंडिकेट कर रहा है। बट गलती से वहां पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल, तो बच्चों आपको क्वेश्चन में चश्मा लगा लगा कर ढूंढना पड़ेगा और कहीं पे एक्सपोर्ट तो नहीं दिया हुआ है। यदि एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो आपको डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमको मिलेगा क्या बच्चों, टोटल सेल्स। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। देन सेम चीज आ गया आपका पॉइंट टू बी रिमेम्बर में, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजप्शंस की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें यदि दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेस, यदि टर्मिनोलॉजी दे दिया डोमेस्टिक परचेस, तो आपको चश्मा लगा लगा के ढूंढना पड़ेगा इंपोर्ट किधर है। ठीक है, यदि आपको दिया हुआ है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स तो कुछ नहीं करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है कुछ नहीं करना है। बट गलती से वहां पे दे दिया डोमेस्टिक परचेस तो फिर ढूंढो कहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो उसको ऐड करते ही आपको पता चलेगा कितना आपका क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन है। ठीक है ना, इसको बनाने के लिए बहुत सारे जो रॉ मटेरियल लगता है वो ओनर शायद कंट्री के अंदर से भी लाया होगा, बाहर से इंपोर्ट भी किया होगा, तो दोनों का हमको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो टोटल हमको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हाँ, यदि वो आईसी दे दिया, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे दिया या परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, तो कोई बात ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये सब जुड़ा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं। अरे बाप रे, फिर से आ गई मैडम, बताइए मैडम क्या डाउट है, व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। चलिए समझते हैं, अभी मैं बताने वाला था, थोड़ा सा सबर करिए। तो चलिए बच्चों, ग्रॉस वैल्यू एडेड को हमको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा, ये हमारी जो थोड़ी सी एक एग्जाम्पल है, स्टोरी है, इसको समझ लेते हैं। लेट से ये जो इंसान आपको दिख रहा है बच्चों, ये रहता है जंगल में, और ये जंगल में रहता है तो ये जंगल से क्या करा बच्चों, बहुत सारे। तो चलिए बच्चों जानते हैं हमारा वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल मतलब एक स्टोरी के सहित हम समझते हैं कि वैल्यू एडेड होता क्या है, व्हाट इज वैल्यू एडेड। तो बच्चों ये जो इंसान है ये जंगल में रहता है, और ये इंसान ने क्या करा, जंगल से लकड़ियां बटोरा, और सारी लकड़ियां बटोरने के बाद इसने सामने वाले को 600 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा बच्चों, 600 रुपये में बेचा। अब 600 रुपये में जब इसने लकड़ियों को बेचा,
कितने में बेचा? 1 मिनट बच्चों, 600 रुपये में इसने लकड़ियों को जब बेचा, तो ये सामने इस इंसान ने क्या करा? ये थोड़ी सी पेन का प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों इसने कितने में बेचा? इसने कितने में बेचा बच्चों? 600 रुपये में इसने सामने वाले को लकड़ी बेच दिया। और ये जंगल से जब लकड़ी को परचेस किया, परचेस तो किया नहीं होगा, इकट्ठा किया होगा और लाके इस आदमी को बेच दिया। और इस आदमी ने उस लकड़ियों को पकड़ा और ये लकड़ियों को लेकर क्या करा? सामने वाले को बेच दिया। अब इसने कितने में बेचा? इसने सामने वाले को 1500 रुपये में लेट से बेचा, ठीक है। और ये इंसान ने क्या करा? लकड़ियों को और थोड़ा सा इकट्ठा करा, सजाया, काट कुटा के सेट करके फिर गया शहर में एक कारपेंटर को बेच दिया। जो क्या करता है बच्चों? लकड़ियां बनाता है। क्या बनाता है? मतलब फर्नीचर वगैरह बनाता है। और ये सामने वाले को कितने में बेचा बच्चों? सामने वाले को ये कितने में बेचा? 2200 रुपये में बेचा। मैं थोड़ा सा इसको नोट कर रहा हूँ, कितने में बेचा? 2200 रुपये में बेचा। अब ये 2200 रुपये में जब इसको बेचा, तो ये आदमी ने क्या करा? आराम से फर्नीचर बनाया। फर्नीचर बनाकर क्या करेगा? फर्नीचर बनाकर सामने कस्टमर को बेच देगा। अब इस सामने कस्टमर कौन है बच्चों? कोई भी बड़ा सेठ होगा जो फर्नीचर खरीदता है, वो आ जाएगा, बोले जब भैया मेरे को फर्नीचर दे दो। तो इसने क्या करा? फर्नीचर बनाया। फर्नीचर बनाकर सामने वाले को 5000 रुपये में बेच दिया। अब बच्चों 5000 रुपये में फर्नीचर को बेच दिया गया। अब मेरे को बताओ 600 से कहाँ इसकी जर्नी शुरू हुई थी और 5000 में आके अटक गई। मतलब 5000 रुपये तक उसकी वैल्यू गई। तो इस जो कमोडिटी थी जो धीरे 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 गया, तो फाइनल वैल्यू इसका क्या हो गया? 5000 रुपये हो गया। अब ये 5000 रुपये की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? वो जो गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस कर रहे थे उसका फाइनल वैल्यू होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे वैल्यू एडेड कहाँ पे हुआ सर? वो तो समझ नहीं आया। तो चलिए हम यहाँ से समझते हैं कैसे वैल्यू एड हुआ। ये थोड़ा सा पेन का इशू दे रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों। तो चलिए तो हम समझते हैं वैल्यू एडेड कैसे हुआ। देखो ये हमारा एक है वैल्यू एडेड, ये हो गया परचेसिंग प्राइस पीपी, और ये हमारा हो गया वैल्यू एडेड। ये क्या था बच्चों? वैल्यू आउटपुट। अब ये समझते हैं ये जो जंगल वाला इंसान था, ये जंगल वाले इंसान ने क्या करा बच्चों? ये जंगल वाला इंसान जो था, ये जंगल वाले इंसान ने कितने में बेचा इसको? 600 रुपये में बेचा। अब ये 600 रुपये में जो लकड़ियां खरीदी गई थी, बेची गई, परचेसिंग कुछ था क्या? उसने कहीं से परचेस किया था? नहीं किया था, जीरो। तो इसने कितना वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ बच्चों बताओ? कितना टोटल वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ है बता पाओगे? कुछ नहीं, क्योंकि उसने कुछ खरीदा ही नहीं था। उसने तो बस लिया और 600 रुपये में बेचा। तो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट कितना था? 600 था। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि 600 का वैल्यू ऐड हुआ। अब आगे चलकर इसने क्या करा बच्चों? सामने 600 में परचेस किया गया चीज बेचा गया 1500 रुपये में। कितने में बेचा गया? 1500 रुपये में। सेम चीज यदि 1500 में बेचा गया तो खरीदा कितने में गया था बच्चों? 600 रुपये में। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितने का वैल्यू ऐड हुआ? यहाँ पे कितने का वैल्यू ऐड हुआ बच्चों? आप ये 600, 1500 में से आप क्या करोगे? 600 को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई थी। बहुत परेशान कर रहा है यार पेन। हाँ तो कितने की वैल्यू ऐड हुई थी? तो 1500 में से हमने 600 को माइनस किया तो कितने का वैल्यू ऐड हुआ था बच्चों? 900 का वैल्यू ऐड हुआ। कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 900 का, ठीक है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसने 1500 में परचेस किया, सॉरी 600 में परचेस किया, 1500 में बेचा। अब ये सामने वाले ने कितना में परचेस किया, बेचा कितने, 1500 में परचेस किया, 2200 में बेच दिया। तो परचेसिंग प्राइस क्या थी, 1500 थी। परचेसिंग प्राइस क्या थी बच्चों, 1500 थी। अब मेरे को ये बताओ, ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, 2200 में से 1500 गया तो कितने का वैल्यू ऐड हुआ यहाँ पे। अब सभी को पता हुआ यहाँ का वैल्यू ऐड हुआ 700 रुपये, ठीक है। फिर ये सामने वाले ने क्या करा, 2200 में परचेस किया और बेचा कितने में बच्चों, 5000 रुपये में बेचा। और इसने कितना वैल्यू ऐड किया इसमें, सॉरी परचेसिंग पावर क्या थी, मतलब कितने में खरीदा था, 2200 में खरीदा था। बेचा कितने में, मतलब कितना वैल्यू इसने ऐड किया, 5000 में से 2200 माइनस करो तो पता चल गया 2800 का वैल्यू ऐड था। तो ये जब हम टोटल करेंगे तो हमको क्या मिल गया, निकल के आ गया 5000 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, वैल्यू ऐड हुआ है। 600 प्लस 900, 700 प्लस 2800, टोटल कितना वैल्यू ऐड हुआ है, 5000। अब देखोगे इस जो कमोडिटी था उसका फाइनल प्राइस भी था 5000 और वैल्यू ऐड हुआ है 5000। हम जो गलती करते हैं ना यहीं पे करते हैं, क्योंकि हम ये वैल्यू ऐड को नहीं लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सब को ऐड कर देते हैं, तो हमारा नेशनल इनकम डबल काउंटिंग हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे यहाँ पे जितने वैल्यू ऐड हुआ है डबल 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 ऐड होते चला गया, यहाँ डबल काउंटिंग के खतरा दिखाई देता है। इसीलिए हमको इससे बचने के लिए या तो फाइनल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी को लेना है, या तो हमको किसको लेना है बच्चों, या तो हमको लेना पड़ेगा इसका, किसकी, या तो हमको लेना पड़ेगा ये जो टोटल वैल्यू ऐड हुआ है इसको हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया इजी वे में कि कैसे वैल्यू एडेड होता है, हम किसको कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शंस को भी देखते हैं आगे क्या है, ये कैसे होता है। मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालते कैसे हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब जब हम एक बार वैल्यू आउटपुट निकल गया, मतलब वो कंपनी का कितने गुड्स एंड सर्विसेज टोटल बनाया हुआ, वैल्यू आउटपुट हमको निकल के आ गया, तो अब हम इजीली निकाल पाएंगे क्या, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। अब आप बोलोगे सर वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस क्या है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है, यही आपका स्टेप्स है बच्चों। बट यहाँ समझने वाली बात है, टोटल कंट्री में हर सेक्टर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शियरी सेक्टर की, इस सभी की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बच्चों यही तो होता है, हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी तो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी तो बोलते हैं। तो जीवीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी। और सभी को पता है एक बार हम जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक बार हम जीडीपी एमपी निकाल देंगे तो क्या क्या निकाल पाएंगे, पता है कि नहीं पता है बच्चों, हम निकाल पाएंगे एनएनपी एफसी, क्या निकाल पाएंगे, एनएनपी एफसी, ये सभी को पता होगा। तो चलिए बच्चों हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हमको जानना है कि वैल्यू एडेड मेथड को हम और कितने नाम से जानते हैं। अदर नेम्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, एंड इन्वेंट्री मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार नाम दिया होगा तो आप समझ जाओ, इसको बस एक नॉलेज के तौर पर लो, ये क्वेश्चन में पूछेगा तो लिख दे, क्या बात है, पढ़ लेंगे ज्यादा तो क्या प्रॉब्लम है। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों। हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू आउटपुट ऑफ फॉर्म ए, फॉर्म ए का वैल्यू आउटपुट कितना है और फॉर्म बी का वैल्यू आउटपुट कितना है, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा फॉर्म ए का वैल्यू आउटपुट हमको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्म ए लिख दो, यहाँ पे वैल्यू आउटपुट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना।
चेंजिंग स्टॉक हमको कैसे मिलेगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ देखो फॉर्म ए का सेल्स कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है, बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, सॉरी चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, अरे यार ये तरीके ये पेन भी बहुत दिक्कत कर देता है यार कभी कभार। चलो ये दिक्कत को सामना तो करना पड़ेगा, मैंने ऑर्डर किया हूँ बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पे वो क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिया है, 10 दिया है, तो हमको क्या करना है, -10। तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, 30। अब मेरे को बताओ ये हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया, 380। वैल्यू आउटपुट फॉर्म ए का कितना है बच्चों, 380। अब आते हैं हम फॉर्म बी का, ही ऐसे निकालना है हमको कि फॉर्म बी का वैल्यू आउटपुट कितना है। वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा? वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए फॉर्म बी का हमको वही सेम फॉर्मूला अपनाना है जैसे हमने इसका किया है, सेम करना है। फॉर्म बी का वैल्यू आउटपुट, तो वैल्यू आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हो गया आपका सी एस माइनस ओ एस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बताओ फॉर्म बी का सेल्स कहाँ दिया हुआ है, देखो इधर दिया हुआ है 300। अब मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है? चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, 20 रुपये दिया है, देख पा रहे होंगे आप इधर, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10, आप देख पा रहे होंगे इधर, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया है, 10। तो टोटल वैल्यू आउटपुट कितना है बच्चों इसका, 310। तो आपको बोला तो गया था कि बस आपको क्या करना है, वैल्यू आउटपुट निकालना है। अभी हमको क्या है कि आगे वैल्यू एडेड निकालना नहीं है, तो हमको एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है और इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल से भी कोई मतलब नहीं है। यदि वैल्यू एडेड पूछा होता तो हम आगे देखते, तो हमको बस क्वेश्चन में दिया है वैल्यू आउटपुट। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, ऐसे ही हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और इसके बाद मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने का वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे करेंगे लाइव क्लासेस में, और इजी तरीके से नेशनल इनकम को खत्म करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए फॉर टुडे, बाय बाय, जय।